फूल चौक के जिस दुकान में आग लगी थी उस दुकान के पीछे वाले हिस्से में भी हम खड़े हैं। देखिए यहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर सामने दुकान थी उसके ठीक पीछे वही लोग रहते हैं। आप देखिए ये इमारत जो आपको दिख रही है, यहाँ से धू धू करके धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर SDRF की टीम दिख रही होगी आपको, उसके ठीक ऊपर जलती हुई आग भी आपको दिख जाएगी। वो ये गोडाउन है पूरा, और उसके बाजू में देखिए जहाँ से सबसे ज़्यादा धुआं निकल रहा है वहाँ पे कपड़े सूखते हुए भी दिख जाएंगे। जो लोग रह रहे थे वो लोग वहीं पर फंसे हुए थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग का धुआं आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब फिलहाल वहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है, दमकल विभाग और SDRF की टीमें यहाँ पे मौजूद है। आप इस इलाके में देखिए जो ये है पूरा, शादी के कार्ड से लेकर के हर तरह के जितने भी निमंत्रण वाले जो कार्ड है, प्रिंटिंग प्रेस होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में कागज रखे हुए हैं जिसमें आग लगी हुई है, और वो आग जो है तो बुझने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार आग जल रही है। और इसके ठीक बाजू की इमारतों में भी आग फैलती जा रही है, आग आगे से लगनी शुरू हुई थी और आप देखिए पीछे तक पूरी आग जो है तो फैल चुकी है और आग अब सीधा पीछे तक पहुंचती जा रही है। यहाँ पर जो है तो लोग जो मौजूद हैं और जो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उन लोगों का ये बताना है कि आग जो है तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर सामने था जहाँ से ब्लास्ट हुआ शॉर्ट सर्किट के बाद, और उसके बाद आग बढ़ती गई। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो लोग यहाँ से भागे। आग इतनी नहीं बढ़ती यदि उसे समय पर बिजली कट कर दी गई होती, या फिर शुरुआत में ही दमकल विभाग की टीम जब पहुंची थी और वहां से आग बुझानी शुरू कर दी गई होती। लेकिन चूंकि आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये पूरा का पूरा इलाका इतना सेंसिटिव है, अभी भी पूरी इमारतें हैं तो बहुत पुरानी इमारतें हैं, काफ़ी इमारतें हैं, आप देख आप जो अभी तक सीमेंटेड नहीं है, पुराने ज़माने की बनी हुई हैं। और जो सामने एक दुकान आपको देखने को मिली जिसकी छत गिर गई थी वो भी उसी कंडीशन में थी। आज तक रायपुर शहर में काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन ये एकलौता इलाका अभी बचा हुआ है जो शहर के बीचों बीच होने के बावजूद यहाँ पर ओपन वायर बिजली की गई हुई है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना अब अभी तक आगे बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो आग है लगातार फैलती जा रही है, और ये कारण है कि शुरुआत के अगर 1 से 1.5 घंटे जो वहाँ पर आग बुझा पाने में तकलीफ होती रही, उसका कारण ये था कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी थी, दमकल विभाग के मौजूदगी होने के बावजूद पानी नहीं मार पा रहे थे वहां पर, और कारण था कि बिजली के तार वहां पर ओपन वायर थे, खंभे लगे हुए थे, सप्लाई मेन सप्लाई थी, और इसी वजह से इतनी देर लगी। देखिए अभी यहां पर केदार गुप्ता जी यहां पर मौजूद हैं, आप यहीं पर रहते हैं, आपका होटल भी यहीं पर नज़दीक में है। ये जिस तरीके की कंडीशन इस इलाके में है और आज जिस तरीके से आग लगी है, आप इतनी ज़्यादा अव्यवस्था क्यों? 15 साल के दौरान आपकी भी सरकार रही है और अभी भी जो सरकार है, ये बॉटल नेक होते हुए भी ये बढ़ नहीं पा रहा है, लोगों को व्यवस्था सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है, और इस स्थिति में भले जान माल की हानि नहीं हुई लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है ये। देखिए आज की बात करें तो बड़ी दुखद घटना है, और मैं उन परिवारों को व्यापारी वर्ग को सांत्वना देता हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। परंतु आज जब 6 बजे आग लगी और करीब 20-25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड तो आ गई, परंतु बिजली विभाग के कर्मचारी लाइट काटने के लिए नहीं आए, इसलिए एक तरफ आग जलती रही और एक तरफ फायर ब्रिगेड खड़ी रही। फायर ब्रिगेड होने के बावजूद भी आग पर कंट्रोल पाने में आधे से 1.25 घंटा विलंब हुआ और आग बाजू की 2-3 दुकानों में बढ़ गई। जैसा बाहर हम देख रहे हैं कि एक बॉटल नेक है, शारदा चौक से लेकर जो तातियापारा तक रोड का चौड़ीकरण है वो अभी तक नहीं हो पाया है, और जो बिजली के खंभे हैं वो बहुत नज़दीक हैं और इतने ज़्यादा कनेक्शंस उससे दिए हुए हैं कि उसमें भी ओवरलोड हो जाता है, बिजली के तार गर्म हो जाते हैं और उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। ये भी आग शॉर्ट सर्किट से एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी और उससे आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ। और दूसरी बड़ी बात, आप बाहर देखें तो फायर ब्रिगेड के साथ यहाँ साडा एनर्जी और बजरंग की गाड़ियाँ भी आई हुई है, जबकि सिंपल 2 से 3 मकानों में आग है। क्या इससे भी रायपुर नगर निगम जो स्मार्ट सिटी के नाम से करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है डेकोरेशन में, शहर को सजा रहा है, लाइट लगा रहा है, वो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं कर सकता? आज शारदा एनर्जी की गाड़ी बाहर है, बजरंग की बाहर है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन उद्योगपतियों को कि उन्होंने यहाँ पर सेवाएं दी, पर क्या रायपुर नगर निगम की ये हाल हो गई कि 2 बिल्डिंगों की आग बुझाने के लिए उसको दूसरे व्हीकल फायर व्हीकल बुलाना पड़ रहा है? चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, देखिए जितने भी SDRF के या फिर दमकल विभाग के लोग खड़े हुए हैं, तो जो लोग यहाँ सीढ़ी पे इधर खड़े हुए हैं उनकी बात तो
ठीक है वो दूर है काफी ज्यादा, लेकिन जो लोग जहाँ जिस इमारत में आग आपको दिख रही है उसके नीचे जो लोग खड़े हैं वो लोग साधारण ड्रेस कोड में है, मतलब आग के जहाँ पर जल रही उसके भीतर है, उसके बावजूद भी उनके पास ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है कि कोई अगर वो जिस तरीके से बिल्डिंग इतनी पुरानी है अगर बिल्डिंग गिर जाती है कोई दब जाता है तो। देखिए जब कोई दुर्घटना होती है तो बहुत सारी खामियां सामने आती है और मैं समझता हूँ इन खामियों को समझकर सीखकर उसके उपाय किए जाने चाहिए। आज किसी के पास भी फायर जैकेट यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है और निश्चित रूप से जो ट्रॉली वाली फायर ब्रिगेड है जिसमें ऊपर चढ़कर और फर्स्ट फ्लोर से हम डायरेक्ट पानी मार सकते हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुँची है। और मुझे ऐसा लगता है कि विभाग में कर्मचारियों की बेहद कमी है, जब ही फायर गाड़ियों को जो है वो प्राइवेट सेक्टर से बुलाना पड़ा चाहे बजरंग हो और चाहे शारदा हो, तो इसमें जल्द से जल्द मैं समझता हूँ कि नियमों को ताक में रखकर भी अगर भर्ती करनी पड़ी फायर स्टेशन में तो करनी चाहिए। अबे अभी यहाँ पर इतना सकरा इलाका होने की वजह के बावजूद स्मार्ट सिटी जैसा आपने भी बोला इस बात को, लेकिन अभी तक ओपन वायरिंग है यहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग तक नहीं हो पाई जिसकी वजह से इतना देर लगा और आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी। आप भी देख रहे हैं कि इमारत जो ये पीछे वाली है यहाँ तक आग फैल चुकी है और ये पूरी की पूरी रहवासी है, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, ये दुकान नहीं है। देखिए नेशनल हाईवे मैं बोलता हूँ शारदा चौक जय स्तंभ चौक पर ये दुकान है और सुबह 6 बजे से आग लगी और अभी भी लपटे दिखाई पड़ रही है, लगभग 4.5 घंटे हो गए। मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकली फायर डिपार्टमेंट को साउंड होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा और भर्तियां जल्दी करनी पड़ेगी। आज से 4.5 साल पहले ये वायरिंग अंडरग्राउंड करने का पूरा आदेश निकल चुका है, इसके ऊपर कार्रवाई बिजली विभाग क्यों नहीं कर रहा है ये बड़े संदेहों को जन्म देता है। जय स्तंभ चौक से लेकर तातियापारा चौक तक के वायरिंग को अंडरग्राउंड होना चाहिए और फायर ब्रिगेड को सेफ्टी के और साधन आगे बढ़ाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये आज रायपुर शहर की आवश्यकता है। जब आप करोड़ों रुपए खाली स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर में खर्च कर रहे हैं तो फायर में और जनता की सुरक्षा के लिए आप खर्च करना क्यों नहीं चाहते, ये बात समझ के परे है। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके के अव्यवस्थाएं और जिस तरीके की चीजें हैं आप खुद अपनी आंखों से तस्वीरों को देख सकते हैं, जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह है। यहाँ पर शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की दुकानें हैं, बॉटल नेक जैसी सड़क है अभी तक ये चौड़ी नहीं हो पाई है, फिर चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रही हो या फिर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो इस पर अभी काम नहीं हो पाया है, इसकी आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। ओपन वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए और ख़ासतौर पर फायर ब्रिगेड की जो कमियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर घरों की छतों पर चढ़ करके लोग वहाँ ऊपर से पानी का छिड़काव पानी का जो है तो वहाँ से फोर्सफुली भेज पा रहे हैं, लेकिन यदि अपने पास कोई अगर ऐसा छोटा वाहन या फिर कोई चैन वाली चीज़ें होती जिसे हम चढ़ सकते थे तो वो ज़्यादा आसानी होती, अगर ओपन वायरिंग नहीं होती तो जल्दी आगे आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल जो है तो स्थिति नाजुक बनी हुई है और आग बुझाने की कोशिश लगातार भले जारी है लेकिन सफलता मिलने में अभी शायद समय लग सकता है। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ एशिया न्यूज़ के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।